कल एक सीपीआईएम का डेलीगेशन रामपुर जिला जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ के सिलाई बड़े गांव में गया, जहाँ पर 27 तारीख को प्रशासन और पुलिस ने वहाँ जा करके जो दलित महिलाएं हैं और बच्चे हैं उन पर पहले लाठीचार्ज किया, फिर गोली चलाई। और उस गोलीबारी में एक दलित बच्चा जो 10वीं का स्टूडेंट है उसकी मौत हो गई, सुमेश, और एक दूसरा बच्चा रईस पाल, वो भी दलित जात का है, उसको भी बुरी तरह से घायल किया। वहाँ पर केवल यही मामला था कि जो स्वच्छता अभियान प्राइम मिनिस्टर ने जिसका आह्वान किया उसमें 21 जनवरी को एक जो खाली जगह पड़ी थी जिस पर लोग कूड़ा फेंकते थे गांव के से लगा हुआ, उसको साफ करने का कार्यक्रम बना, उसकी सफाई हुई और वहाँ ये तय हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर पार्क बनेगा और उनकी एक फोटो वहाँ पर एक छोटे से चबूतरे को बना करके 10 फरवरी को लगा दी गई सबके सामने। पूरे गांव में किसी को भी आपत्ति नहीं हुई, वहाँ बच्चे भी खेलने लगे। एक तरफा तरीके से 27 को एसडीएम वहाँ पहुँचे, एक बुलडोज़र तो जो आजकल भाजपा के सरकारों का प्रतीक है उसको लेकर के और पुलिस को लेकर के, और उन्होंने जा करके उस चबूतरे को बर्बाद करने की कोशिश की। लेकिन जो महिलाएं थीं बहुत ही बहादुरी के साथ, एकदम मामूली महिलाएं जिन्होंने कभी कोई धरना प्रदर्शन भी नहीं किया था, उन्होंने उस चबूतरे को डॉक्टर साहब की तस्वीर को घेर लिया और उस पर आंच नहीं आने दी, हालांकि काफ़ी लाठियां उनको खानी पड़ी। इसके बाद एसडीएम ने फायरिंग का आदेश कर दिया। फायरिंग से अफरा तफरी मची, लोग वहां से भागे और वो लड़का जो था सोमेश वो वहीं पर गिर करके मर गया और रईस के गोली लगी। वहाँ से पुलिस हट गई और रात को जो लड़का है सुमेश उसकी लाश को ले गई पोस्टमार्टम के लिए, दूसरे दिन सुबह लेके आई और परिवार वालों के विरोध पे कहा कि नहीं अभी चलो अभी इसका दाह संस्कार करना है, और उनको फिर से लाठियां मारी गई जिन्होंने इसका विरोध किया और दाह संस्कार जबरदस्ती करा दिया गया। अब इतने दिन हो गए हैं, आज तक प्रशासन की तरफ से कोई वहां गया नहीं है, कोई आश्वासन पीड़ित परिवार को मिला नहीं है, बड़ी पार्टियों के कोई नेता भी वहाँ नहीं पहुँचे हैं और ऐसा लगता है कि इन दलितों को उनकी हाल के ऊपर छोड़ दिया गया है। हम लोग गए, हम लोगों ने बातचीत की, लेकिन जो लड़का मरा उसके बाप की एफआईआर को पब्लिक सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है जिसमें उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया है। तो हमारी ये मांग है कि ये एक बहुत विभत्स घटना है। हमारी मांग है कि परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा मिले, एक सरकारी नौकरी किसी सदस्य को मिले, वहाँ अंबेडकर पार्क बने, उस पार्क में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति स्थापित हो और जो लड़का मारा गया सोमेश उसकी भी मूर्ति वहाँ पर बने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार की जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है, जो न्याय देने के बजाय अपने ही किए पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है और उसका जो चेहरा बेनकाब हुआ है उसको भी किसी तरह से जनता से छिपाने में लगी हुई है।